बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग टाइम 4.6, जिसमें हमारे पास प्रॉब्लम है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ स्टार्स ऑन स्क्रीन। जिस तरह आपको ये पैटर्न स्टार्स का नज़र आ रहा है, इस तरह का पैटर्न हमने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो स्टूडेंट्स, आइए इसका प्रोग्राम राइट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप तमाम व्यूवर से दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम के अंदर हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, नेस्टेड लूप एक ऐसी लूप होती है जिसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अ लूप विद देन एन अदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो यहाँ पे भी हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे। आपके लिए सिंटैक्स मैंने ऑलरेडी राइट किया हुआ है। इसमें जो आउटर लूप होगी वो ये बताएगी कि हमारे पास कितनी लाइन्स में स्टार आएंगे, और जो हमारी इनर लूप होगी वो हमें ये बताएगी कि हर लाइन के अंदर कितने स्टार आएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक आउटर लूप ले लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं फोर, एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं आई नाम का, और उसकी डेटा टाइप इंट रख देते हैं। आई इज इक्वल टू होगा 1 के। हमने कितनी लाइन में स्टार प्रिंट करवाने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन में। तो हमारे पास आई लेस देन इज इक्वल टू होगा 6 के लाइन 1 से स्टार्ट होगी और 6 तक जाएगी। इसके बाद आई में इंक्रीमेंट करता जाए, और ये काम करने के बाद आप इसके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स पर आ जाएं। यहाँ पर हम एक और लूप लगा रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर कंडीशन सही हो जाती है तो आप यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर हम कह देते हैं फॉर लूप। यानी ये जो हमारे पास लूप है, ये हमारे पास है इनर लूप। ये लूप हमें ये बताएगी कि हर लाइन के अंदर कितने स्टार आएंगे। यहाँ पर भी इंट नामी एक डेटा टाइप ले लेते हैं और जे का वेरिएबल डिक्लेयर करके इसको 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और साथ यहाँ पे हम कह देते हैं जे हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू होगा आई के, यानी जितना आई होगा जे उसके बराबर होगा, और इसके बाद जे में एक इंक्रीमेंट कर दे। अगर ये कंडीशन ठीक होती है तो आप क्या करें, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हुए आप यहाँ पे दिखा दें कि आपने क्या प्रिंट करना है, स्टैटिक। तो मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिख दिया, देन इसके बाद आप इसको क्लोज कर दें एस्केप सीक्वेंस की मदद से। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी जब तक ये ठीक है तो रन करता रहे, जैसे ये फॉल्स होती है तो यहाँ से बाहर आ जाए, और यहाँ पे हम बाहर आके कह देते हैं कि आपने नेक्स्ट लाइन पे चले जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, अगर एक स्टार्ट कर दिया तो फिर नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। अब हम कह देते हैं कि नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर आ गया, और इसको अभी एस्केप सीक्वेंस की मदद से एंड कर देते हैं। आइए मैं इसको रन करता हूँ और उसके बाद अच्छे से आपको समझाता हूँ। यदि हमने इसको रन किया और आपके सामने स्क्रीन पर आंसर आ गया, स्टैटिक लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारी जो आउटर लूप है वो 1 के इक्वल होगी, ठीक है। क्या ये कंडीशन ठीक है? हाँ जी, कंडीशन ठीक है, तो इसका मतलब अब वो यहाँ पर आ जाए। J इज इक्वल टू 1, J आपके पास क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया, और I आपके पास क्या है, यहाँ पर 1 के इक्वल है। क्या 1 1 के बराबर होता है? हाँ जी, 1 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये स्टैटिक स्क्रीन पर प्रिंट करवा दो, ये स्टार एक प्रिंट हो गया। उसके बाद J में इंक्रीमेंट कर दें। अब आपने J में इंक्रीमेंट किया तो वो 1 से क्या हो गया, 2 हो गया, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन आप देख सकते हैं फॉल्स हो गई। जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई, आप इस ब्लॉक से बाहर आ जाएं और कहाँ चले जाएं, नेक्स्ट लाइन पर चले जाएं। तो यदि आप नेक्स्ट लाइन पर आ गई हैं, इसके बाद आप आई में इंक्रीमेंट कर दें। इसका तरीकेकार देख लीजिएगा। सबसे पहले हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन सही हो जाती है तो उससे रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो हम एक्सिक्यूट करते हैं, और जैसे ही वो फॉल्स हो जाता है देन हम उसमें इंक्रीमेंट कर देते हैं। इसी तरह अब हमने आई में एक इंक्रीमेंट किया तो आई 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। क्या 2 6 से लेस देन होता है? हाँ जी, 2 6 से आपके पास क्या होता है, लेस देन होता है। कंडीशन क्या हो गई, सही हो गई। अब वो यहाँ पर आ जाए, जे दोबारा 1 से स्टार्ट हुआ, जे 1 है, आई आपके पास क्या है, 2 है। क्या 1 2 से लेस देन होता है? हाँ जी, कंडीशन ठीक है, स्टार प्रिंट करवा दें। उसके बाद जे में इंक्रीमेंट कर दें। अब जे में इंक्रीमेंट होके जे हो गया 2, आई में भी हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। क्या 2 और 2 बराबर होते हैं? हाँ जी, कंडीशन आपकी ठीक हो गई। उसके बाद ये स्टैटिक दोबारा प्रिंट कर दें, आपके पास यहाँ तक प्रिंट होके आ गया।
और उसके बाद वो जे में दोबारा इंक्रीमेंट करेगा। जे में दोबारा इंक्रीमेंट हुआ तो जे टू से क्या हो गया, थ्री हो गया, जबकि आई में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, टू पड़ा हुआ है। ये कंडीशन क्या हो गई, फाल्स हो गई। और फाल्स होने की सूरत में आप बाहर आ जाएं, यहाँ पे जाके आप क्या कर दें, नेक्स्ट लाइन पर चले जाएं। अब वो यहाँ पर यानी इस लाइन पर आ गया, तीसरी लाइन पर आ गया और आई में एक इंक्रीमेंट कर दें। आई बेटा क्या हो गया, टू से थ्री हो गया। क्या थ्री सिक्स से लेस देन होता है? हाँ जी, थ्री सिक्स से लेस देन होता है। अब यहाँ पे आई की जगह पे थ्री आ गया और जे हमेशा की तरह हमारे पास वन से स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट होगा, कंडीशन ठीक है, स्टैरिक आ गया। फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा टू, कंडीशन ठीक है, फिर ये दूसरा स्टैरिक आ जाएगा, फिर ये थ्री होगा, कंडीशन ठीक है, फिर तीसरा स्टैरिक आ जाएगा। और जे जब फोर हो जाएगा, आई क्या पड़ा हुआ है, थ्री पड़ा हुआ है, कंडीशन फाल्स हो गई, वो दोबारा नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। इस तरह करता करता आप यहाँ पे आप देखें कि आई हमारे पास सिक्स हो गया। आई इसके इक्वल है सिक्स के, क्या सिक्स सिक्स के बराबर या लेस देन होता है? ठीक है, बराबर होता है। आप यहाँ पर आ जाए, जे दोबारा वन से स्टार्ट होगा। जे ने कहाँ तक जाना है, जब तक कंडीशन ठीक है, यानी आई सिक्स है जब तक, और जे जब तक सिक्स होगा ये रन करता जाएगा। जे की जगह पे वन, आई की जगह पे सिक्स, कंडीशन ठीक है, ये वाला स्टेरिक आप देख सकते हैं, ये आ गया। फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा और ये छठी दफ़ा स्टेरिक आ गया। और यहाँ पे जैसे ही जे सेवन हुआ, आई में सिक्स पड़ा हुआ है, कंडीशन क्या हो गई, फाल्स हो गई। और कहाँ चला जाए, नेक्स्ट टाइम पे चला जाए। अब वो नेक्स्ट टाइम पे आ गया, आई भी क्या हो गया, सिक्स से सेवन हो गया। अब यहाँ पे देखें, सेवन क्या सिक्स से छोटा या बराबर होता है? नहीं जी, कंडीशन क्या हो गई, फाल्स हो गई, हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का पैटर्न हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। आइए अब मैं आपको एक और आसान सा तरीका बताता हूँ, मैं जस्ट अपनी इस लाइन में चेंज करूंगा और आप यहाँ पर देखेंगे ये जो स्टैरिक का पैटर्न है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मैं इसको आपके लिए कॉमेंट लगा देता हूँ, कॉमेंट्स का आपको पता ही है, ताकि इस पर ये एक्सिक्यूट ना करे हमारा कंपाइलर। फोर लूप लगाई हमने और मैंने अब उल्ट चलाने, यानी 6 5 4 3 2 1 इस तरह स्टैरिक का पैटर्न दिखाना है। इंट डेटा टाइप, मैंने कहा आई इज इक्वल टू हो जाएगा 6, उसके बाद आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगा 1 के। देन ये काम करने के बाद पर आपने क्या करना है, आई में डिक्रीमेंट करना है। अब मैं इसको रन करता हूं, अब देखें आपके सामने ये स्टैरिक का पैटर्न है क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इसी तरह अगर मैं जस्ट यहाँ पे चेंज करूँ तो आप देखेंगे हमारे पास क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि नंबर का एक पैटर्न वो स्क्रीन पर दिखाए, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ परसेंटेज डी और उसके बाद यहाँ पे मैं जे नामी वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर्स का पैटर्न आ गया। इसी तरह अगर नंबर्स का पैटर्न मैंने सीधे ऑर्डर में दिखाना है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अनकॉमेंट कर देता हूँ और इसको कॉमेंट कर देता हूँ। सिर्फ इस लाइन की मदद से मैंने आपको क्या, चार डिफरेंट पैटर्न स्क्रीन पर डिस्प्ले करना सिखाए हैं, यानी आप आज के प्रोग्राम से चार डिफरेंट प्रोग्राम करना सीख गए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग कितनी ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया प्रोग्रामिंग टाइम 4.6। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी हमेशा की तरह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।